जयपुर, राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी के शुक्रवार को जन्मदिवस पर कार्यकर्ता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं तो उनके ही विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता व मंडल पदाधिकारी सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। वे गत 3 दिन से क्षेत्र में यज्ञ के आयोजन कर रहे हैं। भाजपा सिविल लाइन मंडल के पदाधिकारी राकेश शर्मा, राजेश चौधरी, राजकुमार शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप हनुमान मंदिर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। विधायक अरुण चतुर्वेदी को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ में कार्यकर्ताओं ने आहुतियां दी। राजकुमार शर्मा, राकेश शर्मा व राजेश चौधरी का कहना है कि विधायक व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सिविल लाइन क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 साल के दौरान क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पाकों और सीवरेज समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जनता के मुद्दों व कार्यों की अनदेखी की जा रही है। क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह तीसरा सद्बुद्धि यज्ञ था जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं व लोगों ने आहुतियां देकर विधायक अरुण चतुर्वेदी को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना की गई। सद्बुद्धि यज्ञ करने से पहले कार्यकर्ताओं ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के यहाँ न्योता दिया था और यज्ञ की सफलता की कामना की। क्षेत्र के प्रति मंत्री जी की अनदेखी को लेकर पहले भी बीजेपी कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और पार्टी से इस्तीफे भी दे चुके हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस विचारधारा के लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं जन्मदिवस पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी को जन्मदिवस की बधाइयां देने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी उनके सरकारी आवास पर पहुंचने लगे। फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर चतुर्वेदी को बधाई दी और मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व कैबिनेट मंत्रियों एवं पार्टी पदाधिकारियों ने अरुण चतुर्वेदी को जन्मदिवस की बधाई दी।